जा, ये जीवन सबसे बड़ी चर्चा। देश की दिशा और दशा, इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और पता हमें दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। बड़ी खबर, गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का क्या है रिजन, यह जानने के लिए हमारी चाय की चौपाल की टीम पहुंची भंडारा। देखते हैं चाय की चौपाल की टीम की खबर। नमस्कार, मैं नेहा मिश्रा, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव। हमने इसके पहले सड़क अर्जुनी में चाय की चौपाल लगाई थी। अब हम गोंदिया में है, ये तेलहानी चौक है, शास्त्री चौक कहा जाता है इसे। यहाँ पे हम लोगों ने चाय की चौपाल लगाई हुई है, हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। भंडारा गोंदिया के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम यहाँ पे जो उम्मीदवार है, दो उम्मीदवार जो पार्टियों के खड़े हैं, उनके बारे में लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो लोकसभा चुनाव को किस तरह से लेते हैं। सर, 11 तारीख को लोकसभा चुनाव है, तो आप वोटिंग करेंगे? किस तरह का है ना, किसी भी पक्ष को ना देखते हुए आप किस तरह के उम्मीदवार को वोट करना चाहेंगे? जो वर्कर है, जो वर्कर नेता है, जो अच्छा काम करता है, जो जनता की हित में काम करेगा, उसी को हम लोग वोट देंगे। तो गोंदिया में ऐसा कौन सा नेता अभी अब जो नेता खड़े है इसमें, एक ऑलरेडी स्टेट मंत्री रह चुके हैं जी, और जो दूसरे है उनका नाम तो उन्होंने अभी अभी सुना है जी, तो जो है अभी वर्कर वही दिख रहे हैं जी, जिन्होंने काम पहले किया है उसके बाद में वो चुनके नहीं है जी, लेकिन हमारा अभी मत उनके तरफ नहीं है। कौन सी सरकार? सरकार तो मोदी जी की बैठेगी जी जी जी, लेकिन गोंदिया में तो हमारा जो गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र है यहाँ इसमें पंचभूति जी। थैंक यू सो मच। पहली बार वोट करने वाले हो? यस। की सोच है आपकी वोटिंग को लेकर? हमारी सोच लगभग देखो जैसा आज तक 60 साल में तो वैसा कुछ लगा नहीं है लगभग हमें अच्छे से, तो कुछ लगा नहीं है, बट अभी 5 साल में देखा गया तो कैसा नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा दिख रहा है विकास जैसा हो रहा है, इसलिए हम वोट देना चाहते हैं। अपने जैसे जो लड़के अभी 18 साल के हुए हैं और वो वोट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे, क्या होगे, किस तरह का क्या सोच रख के वोट करनी चाहिए? उन्हें देखना चाहिए कि आगे का भविष्य उनका कैसा है, और ये देखना चाहिए कि हमारे देश का नाम कौन आगे बढ़ा सकता है जी। और किसकी सरकार की उम्मीद कर रहे हैं? बीजेपी की। थैंक यू सो मच। मोदी सरकार, हर घर मोदी, हर हर मोदी। इधर आ जाइए। मोदी सरकार, मोदी सरकार, बिल्कुल मोदी, बिल्कुल मोदी, मोदी को देंगे, मोदी सी को देंगे, जो कुछ अपना जो विकास करे, सबसे बेरोजगारों को जो रोजगार दे, और जो समस्या है हमारी वो अगर पूरा करे, विकास करे, और बस। तो किसकी सरकार? मोदी जी की सरकार चाहिए। एक बार थैंक यू सो मच। 11 तारीख को इलेक्शन है, वंचित बहुजन आघाड़ी, वंचित बहुजन आघाड़ी, धन्यवाद। मोदी, घर घर मोदी, मोदी आना चाहिए इस बार। किसको वोटिंग करोगे? देखेंगे मैडम, जिसको कैसा लगा देना चाहिए उसी को देखेंगे। फिर भी क्या देख के वोट करोगे? अब बता दूंगा तो फिर पब्लिक को तो फिर मजा नहीं आएगा ना, वो मेरा वोट है, मेरा अधिकार है, किसी की नहीं। मैंने ये बोल रहा हूँ पब्लिक सामने, मैं ये बोल रही हूँ कि चेहरा देखकर वोट करेंगे, विकास देखकर वोट नहीं। अब वो देखेंगे कि विकास हो रहा है, क्या हो रहा है, वोट देख के तो लोग फेस देख के लोग फंस जाते हैं ना, अपना फंसना नहीं मैडम, है ना, तो ये मेरा अधिकार है। धन्यवाद। 11 तारीख को चुनाव है, किस तरह का उम्मीदवार और किस तरह के उम्मीदवार का चेहरा? मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। धन्यवाद। वोटिंग करेंगे? किस तरह की सरकार की उम्मीद करते हैं? अच्छी अच्छी, यानी क्या सोच कर वोटिंग करेंगे? विकास, विकास सोच कर। तो आपकी बार किसकी सरकार? देखते हैं। धन्यवाद। क्या बताऊं, अभी 11 तारीख को वोटिंग है, आप करेंगे वोटिंग? जाएंगे वोट करने? तो किस तरह का उम्मीदवार आप जुटवाना चाहते हैं? अब सामने दिखेगा, सामने दिखेगा, बताएंगे नहीं? नहीं, गुप्त रखेंगे? नहीं, बस सामने दिखेगा कि नहीं वही बता देंगे। तो विकास के आधार पर वोट करेंगे या चेहरे के आधार पर वोट करेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है, काम के आधार पर, काम के आधार पर। हाँ ठीक है, धन्यवाद। चुनाव है, वोट करेंगे? हाँ।
किस तरह का उम्मीदवार देखते हैं? हम चाहते हैं कि उम्मीदवार हमारे सारी समस्याएं हल करें, तो वोट देने का कोई मतलब नहीं, तो वोट लेने के बाद उम्मीदवार आता ही नहीं कुछ करने के लिए, मुंह नहीं दिखाता पीछे हट जाता था, ऐसे उम्मीदवार को चुनके लाने का कोई मतलब नहीं। तो आपके बार किसकी सरकार? हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार है। जी धन्यवाद। हमने यहाँ पर शास्त्री चौक पे लोगों के व्यूज जाने मत जाने वो किस तरह की सरकार को चाहते हैं। नमस्कार, मैं नेहा मिश्रा, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव। हम यहाँ पे गोंदिया के बस स्टैंड के सामने हैं, हमारी चाय की चौपा बस स्टैंड के सामने लगी हुई है, और हम यहाँ पे हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गोंदिया भंडारा के उम्मीदवारों के बारे में हम प्रतिक्रिया यहाँ के मतदाताओं से जानेंगे। यहाँ पे चुनावी माहौल किस तरह का है, ये सारी क्रियाएं हम यहाँ के मतदाताओं से जानेंगे। तो हम अभी रुक करते हैं यहाँ के मतदाताओं की ओर। 11 तारीख को चुनाव है सर, आप वोट करेंगे? जी करेंगे जी। तो आप एक निरपक्ष होकर एक किसी उम्मीदवार को अगर वोट करना है तो आप किस तरह का वोट करना चाहेंगे? मैं तो पार्टी देख के नहीं करूंगा, उम्मीदवार की लायकी देख के करूंगा। जी, तो फिर भी एक चेहरा होता है किसी भी पार्टी का, या फिर किसी भी मतदाता एक विचार करता है अपने मन में कि उसका जो नेतृत्व करने वाला नेता हो वो किस तरह का हो, तो आपके दिमाग में क्या छवि है? मैं एक एम्प्लॉई हूँ और मैं चाहूंगा कि जिसने सही में एम्प्लॉई का भला किया है। अभी हमने तो पेंशन के हकदार हुए, लेकिन अभी आने वाले यानी जो सरकार है सिस्टम ही बदलना चाहिए, सिस्टम कैसा बदलना चाहिए, सिस्टम ऐसा है कि इतने वेल क्वालिफाइड लोग दुनिया में पड़े हुए हैं। जी, तो जो आमदार या खासदार जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसके लिए कैटेगरी होनी चाहिए। कैटेगरी नहीं, मैं तो ये चाहूंगा कि वो भी 5 साल मिलिट्री में सेवा करे, जी को ही उम्मीदवार बनाए। तो आप पेंशन की बात कर रहे हैं, वन पेंशन वाली बात कर रहे हैं? आप रिटायर्ड पुलिस आर्मी? नहीं, मैं एसटीएम ट्रैफिक कंट्रोलर हूँ। जी ऑफिस है। जी 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 जी। लेकिन मैं अपने बारे में, मेरे को तो पेंशन लागू है, लेकिन और को भी होना चाहिए। जी 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 जी। तो आप कौन सी सरकार देखते हैं? कौन सी सरकार को देखते हैं विजय के परचम में? मैं, मेरे को कोई भी सरकार नहीं पड़ती, क्योंकि सरकार क्या है, आम आदमी जो है, जो भी झंझट में पड़ना चाहता, वेल क्वालिफाइड लोग हैं जिन्होंने आईएएस किए हैं, ऐसे लोग या वेल क्वालिफाइड वो जो इलेक्शन लड़ते ही नहीं, मेरी इच्छा ऐसी कि उन लोगों ने लड़ना चाहिए और उन्होंने ही इलेक्शन लड़ना चाहिए, देश की सरकार ऐसे पढ़े लिखों के हाथ में होना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि युवा नेता जो है वो आगे आने चाहिए, और युवा नहीं भी है तो रिटायरमेंट जो आईएएस अधिकारी है या और जो आईपीएस अधिकारी है उम्मीदवारी देनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। वोट करेंगे 11 तारीख को? हाँ मैडम। वोट करेंगे? किस तरह का उम्मीदवार देखते हैं? मैं उम्मीदवार एक ही चाहता हूँ जो अच्छा अपने देश में कर रहा है उसके लिए। उसके लिए? हाँ। तो किसकी सरकार? सरकार तो मैं भाजपा। थैंक यू सो मच सर। चाचा बोलो, बोलो 11 तारीख को वोट करेंगे? प्रफुल्ल भाई पटेल। धन्यवाद। 11 तारीख को वोट करेंगे? बीजेपी। बीजेपी को? कोई एक अच्छा कारण बीजेपी को वोट करने का और कोई एक कारण कांग्रेस को ना करने के लिए? देखो कैसा है, आज जो बीजेपी आई है 5 साल हुआ है ना, जी जी, 5 साल में जो काम हुए, बाकी मोदी को चोर चोर बोलते जी, ये सब खाने वाले कांग्रेस वाले जी, इसलिए चोर चोर बोलते जी, बस यही बोलूंगा, यही बोलते हैं जी जी जी। कांग्रेस को करूंगा, मैंने 5 साल देखी है जी, इसके पहले के कार्यकाल आपके कार्यकाल, आपके कार्यकाल में मैंने मोदी जी देखा है कि उनमें कोई विकास नहीं हुआ है। जी, विकास कैसा होना चाहिए मैं ये पूछना चाह रहा था मोदी जी को, विकास क्या होता है? बेरोजगारी, आज कोई रोजगार नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है, आप पूरे 5 साल में देखो 91 वैकेंसी निकली होगी जिनसे देश का विकास होना, हमारा केंद्र में भी सरकार है, महाराष्ट्र में भी सरकार है, मगर इस 5 सालों में एक भी काम
एक भी काम सुचारू रूप से युवा युवा लोगों को रोजगार के लिए मिला होगा तो मैं मोदी जी से पूछना चाहूंगा। मेरा पूछना उनसे ये है कि उन्होंने मुद्रा लोन बोले थे कितने परसेंट लोगों को मिला जी? आज इतने लोग हैं यहाँ पर आपके सामने खड़े हैं, इनमें से किसी को भी पूछोगे कि किस व्यक्ति को मुद्रा लोन मिला है? जिन्होंने स्कीम लाया वो स्कीम एकदम ही फेल, जिनके पास पैसा है जो अपर लोग हैं जिनको दे सकती गवर्नमेंट, जिनको बेनिफिट देना है उन्हीं को बेनिफिट मिला है। मिडिल क्लास और लो क्लास आदमी मर गए जी। तो आपके बार किसके सरकार? कांग्रेस। मोदी सरकार की जितनी भी स्कीम है सिर्फ कागजों पर है और बहुत ही जुमलेबाज सरकार है मोदी सरकार। मैं तो मेरा वोट तो सिर्फ कांग्रेस को ही रहे जी। थैंक यू। मेरा भी वोट कांग्रेस को है क्योंकि आज 110 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख बेरोजगार हो चुके, नौकरी तो आई नहीं, हर एक साल में 2 करोड़ रोजगार मिलते, 10 करोड़ वो तो हुआ नहीं है जी। उसके बाद अभी 1 करोड़ 10 लाख बेरोजगार हो चुके हैं, नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं है, सब जुमलेबाजी है, बड़े बड़े वादे किए। तो आपकी बार किसकी सरकार? आपकी बार किसकी सरकार? आपकी बार कांग्रेस सरकार आई जी। अंकल आपने दोनों सरकारें देखी जी हाँ, कांग्रेस का 60 साल का करियर देखा, अभी बीजेपी का आपने 4.5 साल का करियर देखा, तो आपको क्या लगता है उम्मीदवार की एक छवि जो होती है एक मतदाता के मन में वो किस तरह की होनी चाहिए? मतदाता की जो उम्मीदवार के प्रति जो छवि होती है वो चाहते हैं, वो देखते हैं कि क्या देश में विकास करता है। परंतु ये पिछले जो 5 साल के अंदर में जो एक परिवर्तन की जो लोगों की एक अपेक्षा थी कि भाई कुछ परिवर्तन होगा, वो ऐसा वो पूरा एक नकारात्मक हो रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जबकि जो इन्हें जो रोजगार की जो बातें की थी, रोजगार बिल्कुल लोगों को मिला नहीं। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि 70 साल का 5 साल में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते? 70 साल का 5 साल का कंपैरिजन नहीं कर सकते, बात सही है, परंतु जो कम से कम एक विकास तो दिखे जी, विकास तो दिखना चाहिए ना भाई, कि 5 साल में क्या विकास किए, विकास के नाम भी तो कुछ भी विकास नहीं रहा। एक छोटा सा सवाल सर इंटरप्ट करूंगी यहाँ पे, आप जैसे बोल रहे हैं कि इनडायरेक्टली आपका कहना ये है कि कांग्रेस की सरकार चाहिए आपको, राष्ट्रवादी नहीं, नहीं ऐसा नहीं, हमको विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो इससे क्या है कि जब इनको देख लिया आपने, पुराना भी देखे हमने, परंतु जो विकास जो था एक यहाँ पे स्थिर हो गया, वही विकास हमारे क्षेत्र के अंदर। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो चीज़ें 70 सालों में नहीं हुई वो 5 साल में करने के लिए हमें और वक्त देना चाहिए? पर विकास तो दिखे ना, 5 साल के अंदर कुछ विकास दिखे तो आपको चाहते हैं 10 साल दे। मेट्रो विकास नहीं है, मेट्रो यहाँ पे आवश्यकता थी, आवश्यकता यहाँ पे है, उस वहाँ से विकास चाहिए जी, समझे क्या? नागपुर के अंदर मेट्रो है बात ठीक है, परंतु उतने अभी उसकी आवश्यकता नहीं थी जी, विकास होना चाहिए, परंतु एक क्षेत्र के विकास की बात नहीं होती, विकास चाहिए पूरे देश में चाहिए, पूरे देश में विकास। आपको ऐसा नहीं लगता सर जब आपके आपके ये लोकल एरिया से जब सांसद रहे हैं लोग तो उन्होंने भी कुछ एक एक नेतृत्व करके अपने कामों को पूरा करना चाहिए था? ये जो 5 साल के अंदर में, 5 साल के अंदर में जो चुन के गए उन्हें विकास बिल्कुल जीरो रहा है। उसके पहले जो रहे सांसद रहे हमारे डॉक्टर भाई पटेल रहे, उनके पास का जो उनका जो विकास है वो दुनिया जानती है। यहाँ के अंदर में तो भेल चालू नहीं किया उन्होंने, वीडियो कॉल को भी चालू नहीं किया, नहीं भेल चालू नहीं किया, नहीं जिस वक्त वो उद्योग मंत्री थे उस वक्त उन्होंने भेल का प्रोजेक्ट लेके आया, परंतु उसके बाद में जब वो इलेक्शन हार गए यहाँ से तो इन्हें जो कांग्रेस जो भाजपा की सरकार थी इन लोगों ने उसको बंद कर दिया। उन्होंने उसका सांसद थे सर, सांसद थे उस वक्त भी, हाँ सांसद थे ना, तो 2-4-5 दिन तो काम होना है, तो वही तो सांसद के तो आज भी है, तो 2 साल देखो पॉवर्टी भी एक चीज होती है, उन्होंने ये चीज अगर वो चाहते तो पर सरकार चेंज होगी ना, सरकार चेंज होगी ना, केंद्र सरकार नहीं ना, केंद्र सरकार ने ध्यान देना तो ये तो मत रख सकते हैं, राज्यसभा में है प्रफुल्ल भाई जी, हाँ तो वो रख सकते, पर वो उन्हें रखे ना जी, रखे राज्यसभा में जब हम कोई मत रखते तो वो लोकसभा पारित करती है ना सर, हाँ। जब मेजोरिटी रहती है तभी पारित होता है, मेजोरिटी नहीं थी इसलिए पारित नहीं हुआ। ये जो प्रफुल्ल भाई जी थे, प्रफुल्ल भाई थे राष्ट्रवादी कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो बीजेपी की सरकार थी, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो अपने क्षेत्र का विकास करे, स्पष्ट है यहाँ जो भेल डायरेक्टली ये कहना है कि ये सत्ताधिकारियों के चक्कर में हमारा विकास बिल्कुल रुका हुआ है, बिल्कुल इसलिए, और यही चीज हम लोग चेंज चाहते हैं, चेंज होना चाहिए, और चेंज हुआ यही है कि अभी जो इलेक्शन आ रहा है जो आज की स्थिति के अंदर में जितना जो विकास हुआ है ये प्रफुल्ल भाई के हाथ का विकास है, यहाँ से ट्रेन का ले लीजिए आप, यहाँ से एयरोड्रम का ले लीजिए आप, यहाँ पे अदानी प्रोजेक्ट ले लीजिए आप, जितना जो विकास है प्रफुल्ल भाई के अलावा किसी ने विकास किया नहीं,
और बीजेपी की जितनी सरकार आई, बीजेपी की जितने कैंडिडेट चुन के आए, उन्होंने विकास कोई चार्ज नहीं किया, एक अपने प्रोजेक्ट में एक भी विकास का खाई नहीं। और है कि जैसा उन्होंने बोला कि बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार में हमारे यहाँ से चुन के नाना जी पटोले गए थे, ढाई साल में क्यों छोड़ना पड़ा। मेरा क्वेश्चन उनके लिए, सरकार के लिए, ढाई साल में तुम्हारा रूलिंग पार्टी के मोदी लहर में हमारा एक सांसद गोंदे भंडारा का, आपने जो की फिर वापस चले गया, सब कुछ गया, उस समय तो हमारे नाना पटोले भी थे बीजेपी में, उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट लेके गए जो कैंसिल हुआ वो तो आ जाना था, पर वो उनके भी समय में क्यों नहीं आए, उन्होंने अपना क्यों छोड़े, उन्होंने बीजेपी क्यों दिया ढाई साल के अंदर में, कोई ना कोई कहीं ना कहीं सरकार ने जुमलेबाजी की है। अंकल आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी हम जाते हैं बैंक में मुद्रा लोन, जो हमें छोटा सा धंधे होता है मुद्रा लोन की बात करते हैं, जब जाते हैं बोले आपको मुद्रा लोन दे दिया आपके वार्ड में, मुद्रा मैं ठेला लेकर गली गली पर घूमने में घूमता हूँ, पर कहीं मोहल्ले में नहीं मिला मुद्रा लोन। सबसे पहले ढाई लाख का मकान की बात करते हैं, ना ढाई लाख का मकान बना है जी, और एक नल भी नहीं लगा है बस स्टैंड में, सफाई नल नहीं है, कोई सब परेशानी है हमको, हम अपने जूस की दुकान लगा, हम पानी कहाँ से लाएंगे, मंदिर से लाते आज ही तो एनर्जी पानी लाने में चले जाती है हमारी जी। हम यहाँ गोंदिया के बसाने से हमने लोगों की प्रतिक्रिया ली, यहाँ पे सरकारों को लेकर एक असमंजस बना हुआ है, और इस असमंजस के बीच हमारा निष्कर्ष ये है कि लोगों में जो रोष है सरकारों को लेकर वो सिर्फ इसलिए है कि वो एक ऐसे उम्मीदवार को यहाँ से जीतते हुए देखना चाहते हैं जो उनका विकास करे, उन्हें किसी पक्ष से कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद यहाँ के कुछ लोगों का कहना ये है कि यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल की सरकार आएगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस आएगी, हम किसी पक्ष का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ के लोगों की जो मानसिकताएं बनी हुई है उसके हिसाब से हमने जो एक सर्वे किया उसके मुताबिक यहाँ पर सरकार को लेकर मतभेद है, और इस मतभेद को दूर करने के लिए 11 तारीख का इलेक्शन हमें इसकी जो वास्तविक स्थिति है वो स्पष्ट करेगा। तो आगे की खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यह है लोकसभा क्षेत्र के जनता का हाल, वोट किस करवट बैठेगा इसके नतीजे आने पर ही पता चलेगा, तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तब तक के लिए।